वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स लवर। दोस्तों मैं आज एक मरतबा फिर से अपने मामू के सेटअप पे आया हूँ और माशाल्लाह से इस बार उन्होंने पियर वगैरह सेट करे हैं अपने ब्रीडिंग सेटअप के लिए। मैंने तो अपने बॉक्स लगा दिया, उन्होंने भी ये लगाएंगे भी, और रफ का पियर वगैरह भी उन्होंने लिया है, एक पियर न्यू भी लिया है उन्होंने। और दोस्तों एक मादी जो कर रही थी वो भी आपको दिखाऊंगा। ये सब चीज़ आपको आगे दिखाने से पहले मेरी गुजारिश है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा कॉकटेल के पेयर से, अभी उन्होंने मटके लगा दिया उसमें। दोस्तों ये कॉकटेल का पेयर आपने देखा होगा, इसके जो पहले क्लच के, दूसरे क्लच के, तीसरे क्लच के बच्चे हैं सब रुके में हैं, जिसमें से कुछ सेल कर दिए हैं, बाकी कुछ रुके में और अभी मटका लगा दिए हैं। अभी इंशाल्लाह दोबारा से ब्रीड कर देंगे। दोस्तों देखें, दोस्तों ये मादी है और ये मेल है। दोस्तों आपने देखा ही होगा, ये सबसे पहले उन्होंने एक मेल लिया था अलग, फिर उसके कुछ टाइम बाद ये फीमेल ली थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों डफ का पेयर, लेकिन दस का पेयर है ये, उन्होंने सबसे पहले लिया था, उसके बाद में लेकर आया था। इसको देख के मुझे शौक उठा था। मैंने भी दोस्तों फर्स्ट टाइम रखे हैं ये, और मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है कि ब्रीड आती है नहीं आती इसकी। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों इसमें एक बजरी का पेयर है, ये माशाल्लाह से इसके चिक्स निकल गए। अभी मैं आपको चिक्स दिखा देता हूँ, उन्होंने मुझे बताया था चिक्स निकले थे, मैं भी देख लेता हूँ चिक्स निकले नहीं निकले। फर्स्ट टाइम हाथ डाले उनके केज के अंदर, क्योंकि इजाज़त ली है मैंने उनसे, वो तो मुझे बोलते हैं इजाज़त कि आप देख लिया करो, लेकिन मैं ही डरता हूँ क्योंकि अल्लाह ने कहा था दोस्तों अगर एक आदमी निकल निकल गया ना काम ख़राब हो जाएगा, फिर सारी मेहनत भी इनकी बर्बाद हो जाएगी। कोशिश करता हूँ मैं दिखा दूँ आपको, मोबाइल का फ्लैश जला लिया मैंने, मैं दिखाता हूँ खाता हूँ। मेरे को चिक्स तो नहीं लग रहे, एग लग रहे हैं इसके अंदर। दोस्तों माशाल्लाह से इसके अंदर पांच आएंगे, अभी चिक्स निकलेंगे इंशाल्लाह, सारे के सारे फर्टाइल आएंगे। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा दोस्तों, और माशाल्लाह से मेरे सेटअप पर भी एग आ चुके हैं जो उन्होंने मुझे अपने पेयर गिफ्ट किए थे, और एक जो मैंने लेकर आया था उसके उन तीनों ने एक साथ एग दे दिए माशाल्लाह से। दोस्तों वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इसकी। ये आप देख लें मेल, ये लो फेस में। आते हैं यहाँ पे, इन्होंने एक फिशर का पेयर न्यू लिया था दोस्तों, लेकिन वो दोनों के दोनों मेल लिख लिए, तो इसने उन्होंने एक अपने जो क्लिप का पट्टा निकला था इसमें से दोस्तों इन्होंने इसका पेयर इसके साथ बना दिया। इन्हें दोस्तों ये जो मेरे पास पेयर सेट हुए हैं, जो मैंने पेयर बना बना के रखे थे अपने पट्टों के, ये उससे पहले निकले हुए हैं। देखें दोस्तों माशाल्लाह से। अब दोस्तों उसके दूसरे नंबर पे ये इन्होंने एक अल्बाइनो का पेयर जो लिया था, जिसमें लोटिनो का ये मेल था रेडाइस में और अल्बाइनो की फीमेल थी। दोस्तों उन्होंने ये पेयर भी चेंज कर दिया, इसके साथ इसी के साथ बना दिया, बस एक ब्लैक आई में एक रेड आई में। वो जो न्यू पेयर लिया दोस्तों वो आपको मैं एंड में दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों ये बड़ा पेयर है इनका, जिसमें से ये बच्चे निकले थे इनके। और दोस्तों इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये रहा ये जो एक सेबल का दाना दोस्तों उन्होंने लिया था वो है, और अल्बाइनो की जो फीमेल है या फिर मेल है ये मुझे कंफर्म नहीं है। दोस्तों उसके बाद नीचे ये जो फिशर का पेयर आपको बता रहा हूँ लिया था, इसका ये दाना।
तो दोस्तों कॉलोनी को भी टूर करवा देता हूँ और उसके बाद एक पेड़ दिखा देता हूँ इनका। दोस्तों मैं कॉलोनी की तरफ आ चुका हूँ और इन्होंने सारे बजरी सेल कर दिए हैं, अभी सिर्फ ब्रीडर पेयर ही हैं इसके अंदर और बाकी कॉकटेल के थोड़े से इन्होंने दाने रोके हैं ब्रीड के लिए, इंशाल्लाह उसको भी ब्रीड करवाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको जाके दिखाता हूँ उनका न्यू पेयर। सबसे पहले दोस्तों ये मादी ये पकड़ी थी हमने, ये स्पैंगल में और अभी पट्टी है, अभी टाइम लेगी तैयार होने में, इसको रखा हुआ तैयार होने। ये दोस्तों माशाल्लाह से ये प्यार है इनका, इसमें सेबर का एक दाना है और एक वेस नडक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, मेरे चैनल बर्ड्स लव को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अभी इंशाल्लाह इसके दोस्तों बॉक्स वगैरह भी लगने वाले हैं, वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।